नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव का पूरे देश में चुनावी बिगुल बज चुका है और उसी सिलसिले में हम भी चुनावी यात्रा पर निकले हैं। तरह तरह के हमें लोग मिल रहे हैं, तरह तरह की बातें और तरह तरह के विचार सुनने को मिल रहे हैं। तो उसी क्रम में दो लोग हमारे साथ हैं जो पैरों से विकलांग हैं। बता दें आपको कि भैया आप बताइए, आप जो विकलांग हैं कितने परसेंट विकलांग हैं आप? मैं 90% विकलांग हूँ और जिला बदायूं से हूँ और मैं अपनी बैटरी रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, ई रिक्शा चलाते हैं आप? इनका जो रिक्शा है ये पीछे ये खड़ा हुआ है, ये 90% विकलांग हैं और अपना ई रिक्शा चलाते हैं। और एक भैया और ये ट्राई साइकिल पर, आप कितना परसेंट विकलांग हैं? आप, मैं सर 80% विकलांग हूँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? मनोज प्रजापति। मनोज प्रजापति, ये बताइए आप 80% विकलांग पे ये ट्राई साइकिल चला रहे हैं और वो 90% पर रिक्शा चला रहे हैं? ऐसा है सर, मेरे माँ पिता नहीं है, मेरे माँ पिता नहीं है, सब काम मैं ही करता हूँ। मेरा एक भाई है, वो मेरा साथ नहीं देता है। जो पेंसिल के मैंने कागज़ करे थे वो भी मैंने करे थे, और जो रोडवेज पास बनवाया वो भी मैंने बनवाया। एक मेरा भाई है वो जो कहता है तू अपने आप करा ले, हम कोई तेरे गुलाम थोड़ी नहीं है। अच्छा, चलो ये तो हो गई आपकी पर्सनल समस्या कहीं, या पर्सनल जो आपने एक तरीके से जो इंट्रोडक्शन दिया है। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं, जैसे चुनावी मौसम है और चुनाव शुरू हो चुके हैं, अपने यहाँ जो सीट है बदायूं लोकसभा, यहाँ पे 7 तारीख को वोटिंग होनी है। तो आप जो 7 तारीख को वोटिंग होनी है और पिछली जो सरकारें रहीं या मौजूदा जो सरकार है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो मुद्दा रहेगा आपका क्या रहेगा, और चुनाव जैसे चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा, और आपको सरकार से क्या क्या लाभ मिला, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सरकार से क्या लाभ मिला है? बस एक ही लाभ मिला है, बस केवल 500 से 1000 रुपये हुए हैं केवल। अच्छा, किस चीज़ के? विकलांग पेंशन के। अच्छा, विकलांग पेंशन के 500 से 1000 रुपये? जी, 1000 रुपये हुए हैं एक महीने के, 3 महीने में 3000 रुपये आते हैं केवल। और हम सरकार से, किसी की भी सरकार बने, हम नहीं चाहते, हम नहीं कहते किसी की भी सरकार बने, कोई भी सरकार पर गद्दी पर बैठे, ये तो राजगद्दी है, कोई जिसकी सरकार बनती है उसको गद्दी मिलती है। हम तो देखो मजदूर इंसान है, हम तो रोड पर सुबह से निकलते हैं, शाम को ही घुसते हैं, मेहनत करके खाते हैं, कमाते हैं। ये सरकार से ये गुजारिश है कि आगे समय पर सरकार किसी की भी बनती हो, विकास दौड़ता है, विकास के मामले में इंसान वोट देता है। अच्छा, हाँ, शहर के लोग जाते हैं गांव के अंदर, गाड़ियों से जाते हैं तो गाड़ियाँ उनकी उलती हैं। अच्छा, रोडों की हालत जी, रोड चलते हैं, कोई मतलब मुख्यमंत्री आ गया, कोई MLC मंत्री आ गया, कोई उप मुख्यमंत्री आ गया, तो रातों रात में उस गड्ढे को भरवा दिया जाता है। वो भी कैसे भरवाया जाता है? उल्टे सीधों में। अच्छा, जैसे उन्होंने बजर पर कुछ डाल दिया, कहीं किसी में कुछ डाल दिया, तो हम वही कहते हैं विकास दौड़ता है, विकास देखो अच्छा विकास करता है। हम नहीं कहते हम इसको वोट डालें, हम इसको वोट डालें। अच्छा, अच्छा। हम तो केवल एक ही दिल में रखते हैं। अच्छा, आप बताइए जिस तरीके से अभी सरकार है मौजूदा, क्या क्या लाभ मिला आपको? मैं सर एक फेरा में बताता हूँ आपके लिए, बुरा मत मानना। मैं बुरा क्यों मानेंगे, आप बताओ ना। आप ख्याल करें, खुजरी मैं एक फेरा गया था, जो जब मोदी की सरकार बनी थी, जब अंबियापुर में सम्राट माना था, अंबियापुर चौराहा बनाया था, तो वहाँ पे अखिलेश यादव आए थे, एक ले गया था हमें बुला के। ऐसे कम दिमाग का हम बता रहे हैं आपके लिए, वो कह रहे हैं चल अखिलेश यादव आए हैं वहाँ पे चल रहे हैं। हम पहुँचे थे गरीब, तो इसलिए पहुँचता है क्या? पुरानी बातों को नहीं, नई सरकार बताइए, नई सरकार से क्या क्या लाभ आपको मिले? लाभ बताएं, लाभ ये है सर, पहले हमारे लिए कुछ भी नहीं था, नहीं रोडवेज पास, नहीं कोई चीज़ था। अब रोडवेज पास भी बन गया और हमारी सिर्फ पेंसिल रह गई है, वो पेंसिल भी के कागज़ हमारे ऑनलाइन है। हम कहीं जब बदाम वाले कह देते हैं कि इधर जाना, हमें योगी के पास मिलने नहीं देते हैं कोई। अभी लेके आए थे? हाँ, अभी कागज। अच्छा, योगी जी की जो सभा थी तो ये कागज लेके आप मिलने के लिए आए? मिलने के लिए आए थे। अच्छा, निकालना जरा है? तो मिले आप? नहीं मिले, भीड़ इतनी थी मैं मिल नहीं पाया। अच्छा, मिल नहीं पाई? हाँ सर, भीड़ इतनी थी मिल नहीं पाया। अच्छा, तो अब जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें क्या मुद्दा रहेगा, वोट करते हुए क्या दिमाग में रहेगा, किस तरीके से वोट किया जाए? जो हमारा काम करेगा उसको हम वोट देंगे। सही कह रहे हैं। अच्छा, यानी विकास का मुद्दा रहेगा वोट करते हुए? अगर जो हमारी सुनेगा, जो हमारी सुनेगा उसको हम सहायता करेंगे।
गोटे की मदद उससे पहुँचाएंगे? हाँ, उसकी मदद पहुँचाएंगे। अच्छा, आप एक चीज़ और बताइए, जिस तरीके से आप 90% ये जो विकलांग बता रहे हैं अपने आप को, और ये जो आपने ली है गाड़ी, या सरकारी तरफ से कोई मदद मिली इसमें या अपने पैसे से लिए? अच्छा, ये तो मैंने अपने पैसे से लिए। ये बैटरी वाला जो रिक्शा होता है, जो विकलांग वाला, वो कानपुर जाना पड़ेगा। कानपुर जाकर रजिस्ट्रेशन होते हैं पहले, एक महीने पहले। हाँ, एक महीने पहले रजिस्ट्रेशन होते हैं, ऑनलाइन पर मतलब रजिस्ट बन जाएगी तुम्हारी, तो दो महीने के बाद आप जा सकते हो। किसी समय चले आओ, एक महीने के बाद चले आओ, चाहे डेढ़ महीने के बाद चले आओ, आपको मिल जाएगा वो रिक्शा। मगर आप सोचते हो घर बैठे मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। अच्छा, ये वाली जो साइकिल है ट्राई साइकिल, आपको नहीं मिली ऐसी इनके पास है, मनोज के पास? मैं ये वाला, हाँ, ये तो मैंने आखिर से ही नहीं चलाई है। अच्छा, हाँ, आपके दिमाग में ये था कि ये तो चलानी नहीं है? जी, मैं अपना मालूम अपनी सोच में क्या करता हूँ, मैं अपनी सोच अपनी आप ही सोच कर ईमानदारी से बढ़ाता हूँ, मेहनत करके, जिसे कहते हैं जज्बा मेरे दिल के अंदर है। अच्छा, हाँ, मैं अपनी मेहनत कर, जैसे कि मुख्यमंत्री लोग बनते हैं, वो अपनी बलबूते पड़ते आते हैं यहाँ पे, वोट मांगते हैं पब्लिक से। आए CM बनते तो अपने बलबूते बनो ना, पब्लिक से क्यों वोट मांगते हैं? विकास के मामले में आ जाएंगे तो फिर कई पब्लिक को फिर आपस में लड़वा देगी। ये नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी, अपने जज्बे को पर भूलो। मनोज का कह रहे हैं मामला सब सही है बीजेपी का, बीजेपी सब बढ़िया कर रही है, इस समय जीत गई बीजेपी, समझो जीत गई। और ये सब लोग आए समाजवादी के नखलऊ से, कानपुर से लड़ने के लिए, बदायूं जिले में जो लोकसभा का इलेक्शन ये 124 में लगता, वो 24 में लगता है ना ये लोकसभा का इलेक्शन 2024 से लोकसभा? हाँ जी, अच्छा, लोकसभा में लगता है ये? हाँ, लोकसभा का ही तो चुनाव है। हाँ, 23 में है 24 में? 24 में, हाँ 24 में है। हाँ, आप समझ में आया, जैसे 24 लोकसभा बदायूं जिले में लगता है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, हाँ 23 लगता होगा, वही तो मैंने कहा। हाँ, 23 है ये, बदायूं विधानसभा लगता है, बिलसी तक, जिला बदायूं भी बिलसी में, वो बिलसी बदायूं तो है ही, सहसवान, बिलसी, बिसौली, दातागंज, अच्छे सब इसी में लगता है। हाँ, 23 में आता है, तो वही कहते हैं ईमानदारी से जो विकास के मामले में आगे बढ़ाए उसी को वोट डालो। हम तो ये बात जी कहते हैं, जिसकी सीट निकले, जिसका पल्ला भारी दिखाई दे मेरे दोस्त, उसी को वोट डालना। हम नहीं कहते बीजेपी को डालो, समाजवादी को डालो, हम तो देखो खुला कहते हैं, क्यों हमारा वोट किसी ने खरीदा नहीं है, खरीद रखा है एक ने, हमारे जिले बदायूं के आबिद रजा, सदर विधायक, पूर्व राज्य मंत्री, उन्होंने हमारा वोट खरीद रखा है, क्यों हम उन्हीं के ही हैं। अच्छा, आबिद रजा के? जी, बदायूं से आबिद रजा सपा से निकल गए, वापस सपा में आ गए? जी, आ गए हैं, वो अभी इस टाइम पे निर्दलीय जीते थे रिक्शे से, सरकार कहती थी बोले वो जीत ही नहीं पाएंगे, तो आबिद भाई ने खुद अपने आप ही चुनावी इलेक्शन खुद लड़े, चेयरमैनी का चुनाव। जी, उनकी बीबी फातिमा रजा इस टाइम पे नगर पालिका अध्यक्ष है बदायूं की। एक चीज और बताओ मनोज प्रजापति, ये ट्राई साइकिल भी आपको मिल गई, ये रिक्शा, और राशन वासन की व्यवस्था भी आपको पूरी मिल रही होगी? हाँ, राशन के बारे में, और इसके अलावा और क्या क्या जो है योजनाओं का लाभ आपको मिला है? मेले विकलांग सर्टिफिकेट बन गया और राशन मिल गया। अच्छा, और बाकी पेंशन नहीं है, बस पेंशन का ऐसा हुआ था सर पहले में ना, पेंशन की समस्या तो आपने बता दी है, कागज भी लेके आई योगी जी से मिलने के लिए, मिलने नहीं दिया है। चलो ठीक, वो तो ऑनलाइन आपने करा दिया है तो हो ही जाएगा। और एक चीज़ और बताइए कि बीजेपी के कोई अच्छे काम जो आपको एकदम भाग गए हो मनोज प्रजापति को, कि लगा दो मोहर फूल पे अब तो? ऐसा है सर, भाग आ गए, हम आपको बता रहे हैं, हम एक बेरा गए थे बदायूं, ऐसे ही गए थे सर, तो जो डॉक्टर संगमित्रा जी हैं सांसद, उनने मुझे घुटुए आते हुए देखा। हाँ, घुटुए आते हुए देखा, मेरा भाई तो मेरे साथ देता नहीं है। मैंने कहा मैडम जी ऐसे ऐसे बात है, उन्हें जाकर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर गोदी में बिठाना, संगमित्रा मौर्या ने। हाँ, संगमित्रा मौर्या ने। फिर भी टिकट काट दिया बीजेपी ने तो उनका? हैं, उनने गोदी में बिठाला है ये, उनसे पूछा कि मनोज ऐसे ऐसे बात में आए, तब मैंने तहसील दिवस में SDM साहब से, IDO साहब से शिकायत करी थी, और हमारे नवीन पत्रकार जी मोहनलाल नंबर 8 के हैं, उनने हमारी वीडियो बनाई थी कि मनोज आपको क्या परेशानी है, तो हमारे मान लो वो क्या कहते हैं कि वो IDO साहब ने ये पूछा था कि आपके लिए और कुछ परेशानी है पेंसिल से अकेला, तो मैंने कहा सर तुमने मेरा राशन बनाया जो बालकों के इच्छा में, उसमें तो मुझे 5 किलो मिलता है, कहा तो भी दे ना दे, ठीक है,
तो सर बोले कि ऐसा है। कितने दिन पहले की बात है ये? अभी की बात है, थोड़े दिन हुए, महीना डेढ़ महीना हुआ है, बना दिया अंतो दिन। ये तो अभी तक नहीं हुआ, लेके पहुंचे मुख्यमंत्री के पास आप? नहीं, जो वाली बात नहीं, राशन वाली बता रहे हो। अच्छा, खैर ये बताइए, सपा की सरकार को कैसे देखते हैं आप? समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसको कैसे देखते हैं? हम तो सर पहली बार गए थे, एक फेरा हम पहली बार गए थे। कहाँ? लखनऊ? लखनऊ नहीं, यहीं पे आए थे अगले से। अच्छा, तो एक यादवों में कर्णपुर, जी कर्णपुर सुना हुआ इधर है, उधर के हैं, तो वहाँ जो कही कि हमारे में आ रहे हैं सांसद जी, उधर जाना। तो हम तो सर चले गए थे, हमने कही चलो देखते हैं, कोई गरीब आदमी की सुन ले तो अच्छी बात है। हम आला पर के जा रही थी तो उनने डायरेक्ट यही जवाब दिया था, फिर बाद में उनने हमें कतली दी थी। तो हम गुस्सा में कतली फेंक आए, कहते हैं लंगड़े लूलों में गुण ज़्यादा होते हैं। तो अपने आप में भी ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, जो कहते हैं ना लंगड़े लूलों में गुण ज़्यादा होते हैं। जब गुन्ना होगा तो रोटी कैसे खा लेंगे? गुन्ना होगा भाई तो हम रोटी कैसे खा लेंगे? गुण होना चाहिए। मगर हम चले आए, एक फेरा डॉक्टर संगमित्रा जी आई, यहाँ पर सम्राट माना तो गंभीर चौराहा बनाया था, तो मैं उधर भी पहुँचा था। मैंने उनसे एक बात की थी, वो रिक्शा वाले में ले गया था, रिक्शा वाले में फटकार दिया, तो फिर मैं उनके पास गया था, उनने तुरंत हमारी बात सुनी, उनने कही तुम टेंशन मत लेना। मैंने कही मेरे सर, मैं मैडम। चलो, संगमित्रा का आपने जैसे कई बार जिक्र कर दिया, एक बार आप बता रहे हैं कि बताइए, उनके कार्यालय पे जब पहुंचे तो उन्होंने घुटनों चलते जब देखा तो गोदी में उठा लिया, और अभी भी आप जो है सम्राट चौक की जो बात कर रहे हैं, उद्घाटन के मौके पे आई थी, तो संगमित्रा मौर्य का जो टिकट काट दिया, तो इस बार वोट किसको जाएगा? अगर जो सांसद अच्छा लगेगा, जो हमारे लिए अच्छा लगेगा, उसके लिए वोट देंगे। ऐसे हमारी जो सरकार अच्छी, अगर फिर अकेला को अच्छा काम करेगी तो हम इसी को। अच्छा, और अच्छा काम करे भगवान से हम दुआ मनाते हैं, कोई भी सही हमारा सम्मान करेगी, मान आदर करेगी। मैं भी सही, अगर मेरे घर पे तुम पहुंच गए, मैंने तुम्हारा मान आदर कर लिया, तो तुम ये सोचोगे हाँ बच्चे ने मान आदर करा। खैर, अब की बार मोदी सरकार का, तो अभी तो बोल रहे कि जो काम अच्छा करेगी उसको वोट जाएगा, अब पहले कैसे बता दे रहे हैं अब की बार? समझ लो, अरे काम तो उसी में हुआ है। अच्छा, और काम उसी में हुआ है, होगा इसी में होगा। तो काम तो संगमित्रा मौर्य से हुआ, उनका टिकट कट गया इस बार? उनका कट गया, अगर जो सांसद बनेंगे वो भी काम अच्छा करेंगे हमारे साथ में, उनका भी काम, उनको भी हम चाहेंगे उनकी बढ़िया।